नमस्कार, आप देख रहे हैं बिकाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ आभा सोनी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री गंगानगर में लॉटरी प्रक्रिया से किए गए पंचायत समिति के वार्डों के आरक्षण। यूरिया की कमी से जूझ रहे किसान, एक ट्रक से भारी संख्या में यूरिया लेने पहुंचे किसान। और प्रदेश भर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू, दो पारियों में चल रही हैं परीक्षाएं। और अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर में पंचायत चुनाव 2014-15 के लिए शुक्रवार को पंचायत समिति के डायरेक्टरों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान पदमपुर पंचायत समिति के 17 वार्डों का आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया द्वारा तय किया गया। लॉटरी प्रक्रिया सुबह करीब 11:15 बजे शुरू की गई। इस लॉटरी प्रक्रिया में पदमपुर पंचायत समिति के 17 वार्डों में से 6 वार्ड अनुसूचित जाति और 2 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। अनुसूचित जाति के 6 वार्डों में से 3 वार्ड अनुसूचित महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं 4 वार्ड सामान्य महिला वर्ग और 5 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में इस लॉटरी प्रक्रिया में जिला कलेक्टर आरएस जाखड़, एडीएम वासुदेव मालावत, एसडीएम कैलाश शर्मा, पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर, पूर्व जिला प्रमुख के साथ साथ कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। पंचायत समिति घड़साना, श्री विजयनगर, साधु शहर और श्री गंगानगर के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी शनिवार को निकाली जाएगी। गौरतलब है कि जिला परिषद के 31 जोनों की लॉटरी और 9 पंचायत समितियों के 167 वार्डों और 9 प्रधानों की लॉटरी प्रक्रिया की जानी है। इन दिनों यूरिया की किल्लत से लगभग सभी किसान जूझ रहे हैं। यूरिया की कमी होने से किसानों को पर्याप्त यूरिया नहीं मिल रहा है। रेणवल सर की धान मंडी में यूरिया के एक ट्रक से आसपास के गांव के किसान काफी संख्या में यूरिया खरीदने पहुंचे। यूरिया लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। यहां काफी ज्यादा संख्या में किसानों की भीड़ लग गई। यूरिया की कमी होने से किसान यूरिया पाने के लिए धक्का मुक्की भी करने लगे। वहीं यूरिया का ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा होने से यातायात भी जाम हो गया। किसानों की भीड़ के आगे वाहनों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर मार्ग पर स्थित भगत सिंह नगर में स्थित एक शराब के ठेके में गुरुवार की रात कुछ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शराब के ठेके के पास की दुकानों के ताले भी सुबह टूटे हुए पाए गए। बताया जा रहा है कि ठेके के पास की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने दुकान के अंदर जाकर ठेके की दीवार तोड़कर ठेके में चोरी की और इस वारदात में चोर शराब की बोतलें और कुछ नगद रुपए निकाल कर ले भागे। इस घटना की खबर तब मिली जब ठेके का मालिक सुबह ठेके पर पहुंचा तो उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। चोर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस की जांच जारी है। ठेके के मालिक का कहना है कि इससे पहले भी ठेके के ताले टूटे हुए पाए गए थे, लेकिन चोरी नहीं हुई थी, पर इस बार चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में से चोरी केस जितना भी था वो निकाल लिया और साथ में शराब की पेटियां ले गए। अब दुकान मिलाएंगे जब पता लगेगा। कुछ पुलिस कुछ आई है। अंदाजा था कितना केस था गले में? केस तो जी लगभग होगा कोई 1,000-1,200 रुपए है। वैसे मेन केस तो हम ले जाते हैं रात को, मेन केस हम यहाँ नहीं छोड़ते, क्योंकि जब पहले ताला टूटा जब हमसे मतलब उससे चौकस हो गए कभी चोरी कब भी हो सकती है। जो मेन बिक्री होती है दुकान की वो रात को हम ले जाते हैं डेली बना के। जो खुले पैसे 10 के नोट और 20 के नोट और बाहन होती है वो गले में छोड़ देते हैं, वो ले गए चोर और साथ में शराब की पेटियां ले गए। अब शराब की पेटियां दुकान मिलाने में पता लगेगा, सेल्समैन दुकान डेली बनाएगा। श्री विजयनगर के राजकीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हॉस्पिटल में केवल एक डॉक्टर है जो सभी मरीजों को एक समय में नहीं देख सकता। मौसम में बदलाव के कारण मौसमी बीमारी के करीब 150 से 180 मरीज हर रोज यहां आते हैं और ऐसे में एक ही डॉक्टर इतने सारे मरीजों का इलाज नहीं कर सकता, जिससे मरीजों के साथ साथ डॉक्टर को भी परेशानी होती है और रोगियों का इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध है हर प्रकार की फसल निकालने वाली मशीनें। खरीदने के लिए संपर्क करें केएस ढोल मंडी, केसरी सिंहपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 9587286515।
9587286566। दीन दुखियों का एक ऐसा आसरा जहां मिलती है हर दर्द की दवा, हर पूर्णमासी को यहां लगता है मेला, हर रविवार व बुधवार को किया जाता है निशुल्क दवाइयों का वितरण। आसरा तेरा बाकी सब ताइयां ढेरियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब ताइयां ढेरियां, एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब ताइयां ढेरियां, बाकी दूर दुखां नूं करके दाता पूर तेरी जा मेरियां, तकिया आसरा तेरा बाकी सब ताइयां ढेरियां। शहीद भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल बुड्डाजोड़ डाबला, इसके आसपास के छोटे कस्बों और शहरों के निवासियों को अब मिलेगा कम खर्च पर बेहतर इलाज, बड़े शहरों के महंगे इलाज सस्ती दरों पर, बाहरी डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर इलाज करवाने की ऑनलाइन सुविधा के साथ कुशल डॉक्टरों की टीम व नर्सेज स्टाफ, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, लेटेस्ट एक्सरे मशीन व ECG, फिजियोथेरेपी, 24 घंटे इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा, समय समय पर निशुल्क जांच कैंप तथा मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने की भी उचित व्यवस्था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश भर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू हो गई हैं। सुबह सुबह परीक्षा देने के लिए सभी विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। अर्धवार्षिक परीक्षा 14 दिसंबर तक चलेंगी। ये परीक्षाएं दो पारियों में चल रही हैं। प्रथम पारी सुबह 10:15 से व द्वितीय पारी 2:00 से शुरू हुई। सभी सरकारी व निजी स्कूलों में परीक्षा संपन्न करवाने के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। सभी स्कूलों में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं भेज दी गई थी और विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिखित परीक्षाएं चल रही है और छोटी कक्षाओं के मौखिक व लिखित दोनों परीक्षाएं चल रही है। बिगाना न्यूज की खबर का असर हुआ है। चूरू के तारानगर के वार्ड नंबर 9 में देगावास मोहल्ले में गंदे पानी की गंदगी से जूझ रहे लोगों को आखिरकार गंदगी से राहत मिल गई। हमने कुछ दिनों पहले बिकाना न्यूज की खबर के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, जिसके बाद प्रशासन ने यहां नाली बनवाने का कार्य शुरू कर दिया, जिससे लोगों को गंदगी से छुटकारा मिला है। हमने कुछ दिनों पहले दिखाया था कि इस वार्ड में नाली क्षतिग्रस्त होने के कारण गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल जाता था, जिससे चारों ओर गंदगी फैल जाती थी। लेकिन अब प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया और नाली का निर्माण कार्य करवा दिया, जिससे अब यह रास्ता साफ सुथरा हो गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होती है। यहाँ के लोगों ने बिकाना न्यूज़ के संवाददाता को इस कार्य के लिए खासतौर पर धन्यवाद दिया है। हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर PC किशन को भारत स्वाभिमान के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संगठन ने संगरिया के मीरा कॉलेज के सरकारीकरण की मांग की है। इस कॉलेज के विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज में हजारों छात्राएं पढ़ती हैं, जिनका भविष्य अंधकार में है। कॉलेज का जल्द से जल्द सरकारीकरण किया जाए, नहीं तो इनकी अगली अपील योग गुरु बाबा रामदेव व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। संगरिया में चल रहे इस आंदोलन में हजारों छात्राएं अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठी हैं। इनकी राज्य सरकार से बस यही अपील है कि इनके कॉलेज का सरकारीकरण किया जाए, जिससे हजारों छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के ज्ञानोधन पार्क की हालत इन दिनों काफी खराब अवस्था में है। इस पार्क को 2008 में तत्कालीन जिला कलेक्टर मुग्धा सिन्हा ने बनवाया था, जिसमें हनुमानगढ़ क्षेत्र का मॉडल भी बनाया गया था। काफ़ी संख्या में लोग इस पार्क को देखने पहुंचते थे। पार्क की हरियाली और सुंदरता लोगों को काफ़ी आकर्षित करती थी, लेकिन लाखों की लागत से निर्मित इस पार्क की हालत अब देखभाल न होने के कारण खराब हो गई है। इस बहुपरिदृश्य पार्क की दशा देखभाल के अभाव में और खराब होती जा रही है। अब इस पार्क में खरपतवार के अलावा कुछ भी नहीं है। पार्क इतना सूख चुका है कि पार्क में सूखे पत्ते ही बिखरे हुए दिखाई देते हैं। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर परिसर के पार्क की हालत ऐसी है, प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ।